नमस्कार, लाइट ऑफ नेशन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री के निर्णय से सफाई कर्मचारी खुश, चमन कपूर कहा फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं के प्रति सरकार गंभीर। मनाली शहर के हर वार्ड को किया जा रहा सैनिटाइज, नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नगर निकायों की समस्याओं को लेकर की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पर 2.44 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी है। कोरोना के मृत्यु पर शव को लेकर जाने के लिए शवपान के लिए भी मंजूरी दी है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नप अध्यक्ष ने कहा कि सीएम के इस निर्णय से सफाई कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को 2-2 हजार रुपए मासिक तौर पर मिलेंगे। मधुबाला के साथ पुष्पा की खास रिपोर्ट। मैं परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करूंगा कि हमारी 13 मई को सभी यूएलबीज की मीटिंग जो है वो मुख्यमंत्री के साथ हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसपे मनाली की तरफ से मैं था वहाँ पे उस मीटिंग में। तो हमने एक डिमांड रखी थी उनसे कि हमारे जितने भी ये योद्धा हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं कोरोना मरीजों के, डेड बॉडी जला रहे हैं, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर रहे हैं और दूसरे सभी काम, जितने भी कठिनाई के काम हैं वो सारे ये कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दो डिमांडें तो उन्होंने उसी टाइम जब अपना भाषण दिया उसी टाइम पूरी कर दी थी कि मैंने कहा था कि इनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ इनको इंसेंटिव मिलना चाहिए और इंसेंटिव के साथ साथ इनका इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि मुख्यमंत्री महोदय ने उसी दिन अपने भाषण में कंप्लीट कर दी थी कि ये इनको दिया जाएगा। मैं उनका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद उन्होंने जो फ्यूल वुड, किसी भी कोरोना मरीज को फ्यूल वुड फ्री देने का फैसला किया, उसके लिए भी हम उनके धन्यवादी हैं, एक सराहनीय कदम है। और इसके साथ साथ जो डेड बॉडी जलाने जा रहे हैं और दूसरा काम कर रहे हैं उनको पीपी किट और दूसरी सारी सुविधाएं, उन्होंने ये लेटर कल का आ गया है कि जो डोर टू डोर कलेक्शन और दूसरे जितने भी हमारे कर्मचारी पीछे खड़े हैं, जितने भी इसमें लगे हुए हैं, उन सब के लिए 2,44,92,000 रुपये जो है सेंक्शन कर दिया है, लेटर आ चुका है जो कि पूरे हिमाचल की यूएलबीज को दिया जाएगा, जिसमें 2,000 रुपये हर जो भी सफाई कर्मचारी है और हमारे जितने भी योद्धा लगे हुए उनको हर महीने मिलता रहेगा 3-4 महीने तक, जब तक भी कोरोना है। और उसके साथ साथ ही इनका इंश्योरेंस और साथ में जो फ्यूल वुड का किया था, और एक हमने मेन मुख्य डिमांड उनसे रखी थी कि एक डेड वैन होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वहाँ पे रिश्तेदार भी हाथ नहीं लगाते और जो क्रीमेशन ग्राउंड है वो बहुत दूर है और इनको दिया हुआ है, जो कल चिट्ठी आ गई थी शाम को, तो इसीलिए उनका धन्यवाद करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। और आज इन अपने कर्मचारियों को सबको नगर परिषद की तरफ से और सहयोग दामोदरी कुंजलाल ठाकुर ट्रस्ट की तरफ से भी मिलता है, तो हमने इनको आज मास्क, फेस शील्ड और पीपी किट तथा ग्लव्स वगैरह जो है वो सारे इनको दिए। और मैं एक बार अपने स्थानीय मंत्री ठाकुर गोविंद जी का और मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने, नहीं तो लोगों को कुल्लू जाना पड़ता था, पहले भी हमने बताया था कि मिशन हॉस्पिटल को जो है कोविड हॉस्पिटल बनाया, अब यहाँ पे पेशेंट आना शुरू हो गए हैं, उसके लिए भी मैं उनका एक बार तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। और इसके साथ साथ ही नगर परिषद मनाली में आज एक कोई दानी सज्जन आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से 11,000 रुपये दिया, उनका नाम ज्वाला सिंह जो कि जड़ी बूटी का काम करते हैं, उन्होंने 11,000 रुपये दिया, उनका भी धन्यवाद करूंगा। उससे सैनिटाइजर और दूसरे सामान जो हैं अभी भी दे जाएंगे और हमारे इस टाइम पे वो यूज़ में आएंगे। और नगर परिषद मनाली अपने साथ 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 के सराउंडिंग गांव के भी, जिनको किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, उनको भी फीड कर रही है, क्योंकि अगर हमारे पास कहीं से कोई फंड आ जाता है तो अभी भी रायसन से वाइस चेयरमैन है नीता जी, उन्होंने सैनिटाइजर मांगा था तो अभी हमने उनको 20-30 लीटर सैनिटाइजर दिया। और दूसरी भी किसी भी किस्म की हेल्प जो है वो नगर परिषद कर रही है। पहले नगर परिषद ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र खोला था, अब जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको यहीं पे रामबाग में ही टीकाकरण हो रहा है, ये सारा स्टाफ यहाँ पे मेडिकल का बैठा हुआ है, तो नगर परिषद मनाली जो है इस तरह आपके सबके द्वार पर है और सबकी हेल्प कर रही है। एक बार मैं फिर से सबसे ये